का यही रहता है कि जब एक फाइनल मैसेज जाए तो हम आएंगे। अच्छा ये बात है। स्लाइड तो वही लिया है मैंने, पुराना वाला। लास्ट क्लास में कुछ हुआ था मंडे को। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 से हमें करना था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हमें ए पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई ए क्या है, कहाँ से आता है। तो इसीलिए क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं लगा, यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया था। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप में से किसी ने भी जाके वापस कुछ देखा उखा नहीं होगा कहीं पे। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, मैम, देखो फिर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट कोएफिशिएंट? ऑफ एक्स। नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए नहीं होता है आपका। ए क्या होता है जानते हो? सपोज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AX मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला है, इतना याद रखो। अब इसकी जगह पे आपको 32X दिया है, तो मेरा ए कितना होगा? 8 जा 32 होता है ना, 4 8 जा 32, तो ये 8 मेरा ए होगा। सपोज अगर मुझे दिया अच्छा है 24X, तो 4 6 जा 24 होता है, तो ये 6 मेरा क्या होगा? ए होगा। और अगर कोई ऐसा नंबर दिया है जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो पॉइंट में भी आएगा ए, मगर ए ये होता है आपका, जो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, मतलब एकदम एज्यूम भी नहीं बोल सकते हैं। तो मैं उसी दिन वाला डायग्राम फिर से लेती हूँ, मतलब यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, डेट वेट डाल देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो डन था ना हमारा ये तो। भाई ये कितना पीछे है? टॉपिक नेम आपका पैरा बोला। एक और स्लाइड्स रेडी है जो J1 को पढ़ाया था, ये हो जाएगा तो उसमें भी चले जाएंगे। डेट कितना है आज का? 7 तारीख। लेक्चर नंबर 2 नहीं 3 है पैरा बोला। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट क्या? स्टूडेंट्स विल नो वॉट? सब कुछ तो आता ही है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एवरीथिंग। तो मैं क्या लिख दूं? स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एवरीथिंग। PYQ PY नहीं है इधर, PC है। पैराबोला, इक्वेशन एंड क्वेश्चंस। अब तो फेब्रुअरी आ गई, विंटर जाने की बजाय विंटर बढ़ क्यों रही है समझ ही नहीं आ रहा है इधर तो। ओके तो चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व तो मुझे करना है, आप लोग बैठ के देखिए, क्योंकि आप हैं दर्शक। दर्शक का काम क्या होता है? बैठ करके देखना। चलिए तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा मेरा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला किधर को बनेगा भाई? इधर को मेरा पैराबोला बन जाएगा। ये बेसिकली ये जो एबो लाइन था इसको डॉटेड से देना था, बट ट्रिप्स होके अभी ऐसे ही दे दिया है तो ठीक है। फोकस इन्होंने बोला है लास्ट टाइम, आप में से आप सुरेंदर ने शायद मुझसे पूछा था, तो ये आपका परपेंडिकुलर बनाएगा, ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा। एस यहाँ पे हमें देना है क्या? -3/2, -3। और हमने यहाँ से क्या निकाला था? दूसरा वाला एस निकाल लिया था, तो वो हमें मिला था -5/2 और -3। तो ये भी डाउट था कि भाई ये तो चेंज हो गया, एक्स और वाई ऐसे ही रहा क्यों? हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना, एक्स और वाई बदलते हैं। वो इसलिए भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, उसी को लेकर चलना है। यहाँ पे हमने क्या दिया था? वर्टेक्स या वर्टिसेस दिया था। मैंने लिखा था -2, -3। फिर आपने मुझसे पूछा था अब ये कैसे आ गया, ये भी नहीं समझ पाए थे हम लोग। तो मैंने बोला था बताओ ए क्या होता है, तो ना ये हुआ ना वो हुआ। चलो आज करते हैं,
ये जो आपका पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी दे दो क्यू दे दो, हमें बेसिकली जो चाहिए था मिल गया। अब एक और बात है, आपको याद होगा कि जब भी हम लोग ए लेते थे ना, सपोज यहाँ पे मेरे हम लोग इसको ए लिया करते थे, आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। कभी कभी इधर को भी ए लेते थे, कभी कभी हम लोग क्या करते थे, टू ए लेते थे। क्यों? क्योंकि आप दोनों गुड को ऐड। मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग ऋषभ, आ रहे वो 7:30 बजे गुड मॉर्निंग बोल के। चलिए आपका भी अपना अंदाज है। देखिए तो इन दोनों को हम क्या करते थे, इसका जो डिस्टेंस यहाँ है फोकस का और यहाँ है, उसको ए लेते हैं। तो ए के प्लस ए के 2 ए हो गया, ये हम लोग लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही दो उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नो, ये तो ए हो गया। एक और चीज आपको बताऊं मैं, इसको फिर से गोली मारते हैं। चलो यही मेरा सिर्फ ए है, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या जबरदस्ती का 2 बनाएंगे, 1 + 1 2? नहीं, जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं करना है मुझे। इस डिस्टेंस से मतलब है, इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस मेरा 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट गिवन। उसी को यहाँ पे अगर देखेंगे आप, मुझे किस डिस्टेंस से मतलब है, ये देखिए यहां से लेके पूरा मुझे यहां तक मतलब है, ठीक है? तो ये तो -3/2 है, और ये क्या है, -5/2 है। इन दोनों से ही मैं ये -2 लेकर के आई हूँ, समझे? 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, माइनस और माइनस लगा दो सामने, कोई दिक्कत नहीं है। 8/4 कितना होता है, 2 होता है, 4 2 8 होता है, तो -2 वहां से लेकर आई मैं। ओके डन। लेकिन अभी भी मैम हाँ मैं डर जा रही हूँ, आप मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ कह रहा है, ठीक है? अभी भी मुझे ये क्लियर ही नहीं हुआ कि ए क्या है, अभी भी हमारा ए मिस्ट्री बना हुआ है। तो देखो ये डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ कि मेरा ये ए है, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2, और ये है -2। मैं सिर्फ एक्स की बात कर रही हूँ, वाई पे नहीं जा रहे। अब -3/2 और क्या है, -2 है, इनके बीच की दूरी, तो इसको मैं पॉइंट में कर लेती हूँ। ऐसे तो फ्रैक्शन में तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट में करूंगी तो कितना आएगा भाई, 1.5 आएगा क्या? 1.5 ही आएगा, ठीक है? तो मुझे बेसिकली 1.5 से 2 की दूरी देखनी है, मतलब 1.5 से 2 के बीच में क्या आता है, आधा ही तो है ना, आधा आधा हिस्सा उसका, 1.5 हिस्सा बीत गया, 2 तक पहुंचना है, तो मतलब क्या है मेरा, 0.5 मुझे तय करना है। मैम हाँ 0.5, आपकी आवाज कट रही है, आप जो भी कह रहे हो। तो देखो सब कुछ अभी सेट सेट है, इतना हिस्ट्री नहीं भी आप जानते तो भी मेरा, जब मैं लेटस रेक्टम निकालने की बात करती हूँ तो मुझे 4a लेना होता है वहां पे, इसका चौथा हिस्सा, मतलब 4 हिस्से आपको लेने हैं 4a। तो मैंने लास्ट टाइम इसीलिए लिखा था 4 × 0.5, 0.5 एक्चुअली क्या था, 1/2 था, बोलने का मतलब है वो 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है? तो यही जो 1/2 था वो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आया, और ए कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, यही दिक्कत हो गई थी। अब समझ लो ये ए यहाँ से आया था, ये आधा था हमारे पास। बेसिकली ए या तो 1/2 होता है, क्योंकि 1/2 + 1/2 मिलके आपके बनते हैं 1, या फिर 1 + 1 = 2 होता है, बेसिकली ये सब आता है वहां पर। और एक ए निकालने का तरीका आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन में देखना, जैसे 4a x है, तो जो भी आपका x के संग दिया है कोएफिशिएंट, बोलते हैं ना x के कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट दिया है सीधे सीधे देखो कि 4 × में वो क्या आ रहा है, तो वही मेरा a हो जाएगा, बस इतना ही है यहाँ पे मसला, और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर ही चुके थे ऑलरेडी हम, LR4a था, तो अब क्या निकालना था हमको, y² = 4ax, तो y + 3 का स्क्वायर -2 - +(2x+2), यही था ना। देन y² = 4ax जो है, इसका 80², 280, ये मैंने बताया था आपको। तो y - k² जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम k और h लेकर के सॉल्व करते हैं।
एक्स माइनस एच हो जाएगा, उसके सामने 4ab आएगा, ठीक है। तो ये होगा एच प्लस 80 स्क्वायर कॉमा के प्लस 280, देन वाई प्लस 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, यानी कि 1/2 या 0.5 जो मैंने वो रख लो, एक्स प्लस 2 एंड वाई प्लस 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x+2, ठीक। यही मेरा इक्वेशन बनना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर था 2t² - 2, 2t - 3, जो कि हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। कैसे नहीं, कैसे मिलेगा देखने को, अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। ये पहले वाले में अगर आप रखोगे तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा 4, तो वैसे ही 2 ही मिलेगा अपने को, तो मतलब -2 और कितना +1/2t² और -3+t, एक्स और वाई लोगे तो इधर में कितना मिलेगा, -2+2t² कॉमा इधर कितना मिल जाएगा, -3+2t, देन आप आंसर वहां पे कंक्लूड करके बताओगे। तो पूरा यही था यहाँ पे झमेला जो अभी सॉल्व हो गया। अब आई थिंक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा हमें। दूसरा क्वेश्चन भी है अपने पास। क्वेश्चन नंबर, कोई कुछ बोलने वाला है, अनम्यूट हुए हैं आप। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 4ax इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसको पढ़ के डायग्राम कैसे बनाना है समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। डायरेक्ट्रिक्स तो हर जगह हाजिर रहेगा हमारा, और एक क्या बनाओगे आप, पैराबोला एक्स वाई एक्सिस में, तो पैराबोला भी इधर को ही बनेगा, ठीक है। देन इन्होंने और क्या बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब लाइन सेगमेंट, अब सी एक और बात क्या आती है जब डायग्राम बनाने जाते हैं, तो मुझे नहीं पता आप शायद बहुत एक्सपर्ट होंगे डायग्राम बनाने में, बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मेरे को इतना तो पता है कि मेरा फोकस तो इधर ही रहेगा। तो मान लो इसको मैंने फोकस दे दिया, फोकस कुछ नहीं है मेरे पास, 1,0 दे दिया है, लेकिन ये मुझसे बोल रहा है कि तुम एक लाइन सेगमेंट भी ज्वाइन करो, तो वो कैसे पता चले कि वो लाइन सेगमेंट कहाँ ज्वाइन करना है, जो पैराबोला से ही होना चाहिए, मूविंग पॉइंट है। तो अब इसका मन करेगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका जहां मन करेगा वहां होगा भाई, कहीं पे लिखा थोड़ी है। तो आप क्या बोलते हो कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए इसका पॉइंट ही तो पूछ रही हूँ, बाकी तो मैं ही सॉल्व कर दूंगी। मैम इन्होंने ज्वाइनिंग द फोकस बोला है। हाँ तो फोकस से ही ज्वाइन होगा, वो तो बात है, आपका फोकस से ज्वाइन होगा। तो कैसे ज्वाइन करोगे फोकस से, क्या इधर ज्वाइन करोगे कि इधर करोगे कि इधर करोगे, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। मैम एकदम सीधा, हाँ? मैम वर्टिकली। वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, तो वर्टिकली ही होगा ना, ठीक है। चलो ज्वाइन मैं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सीधा सा जवाब है इसका, यहीं से ज्वाइन कर दो, इतना कोई माथा पच्ची नहीं करना है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आएगा यस एक मैम, आपका मिड पॉइंट, जो कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, जब नहीं पता है तो एच के ले लो, यही तो करते आए हैं। देन पी आएगा, क्योंकि अक्सर हमने जो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं आपने देखा है वो पी ही होता है। पी भी नहीं पता, नहीं पता हो के भी पता है ये 80² - 280, बस 3 ही पॉइंट्स यहाँ पे बनने हैं और कुछ झमेला नहीं है, और ये इक्वल हो जाएंगे तब, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट आ गया तो उसने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। नाउ अब इसका कैसे क्या बनाया जाएगा, बोल क्या रहा है y² = 4ax, तो पहले तो h और k पता करना है। h क्या होगा मेरा, सीधा सीधा 80² + a/2, ठीक है। k क्या होगा, 280 + 0/2, एक मैंने a को उदाहरण दे दिया, एक 0 को दे दिया, दोनों को काम पे लगा दिया ना उधर, ठीक।
ये 2 2 कैंसल होगा, बाकी कुछ भी फायदा इधर मेरे को नहीं दिख रहा है। तो टी इक्वल्स टू के अपॉन ए, आपको कुछ दिखे तो बता देना, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है और कैंसिल होने को। टी इक्वल्स टू के अपॉन ए हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। देन क्या करेंगे, एच इक्वल्स टू नाउ ए इंटू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2 आ जाएगा। तो क्या कटेगा, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, बाकी तो कुछ कटने लायक नहीं है। सो ए इंटू 2h माइनस ए इक्वल्स टू के का स्क्वायर, यही वाला जो है हमारा एच के है, जिसको हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस a अपॉन 2। ठीक है, ये बना मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन। नाउ अभी भी एक्स इक्वल्स टू कितना है मेरा, माइनस ए हो जाएगा ना, डायरेक्ट्रिक्स। ये तो एक क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और या तो इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। तो एक्स माइनस ए अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन टू, ये हो जाएगा। देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि x इक्वल्स टू माइनस ए भी है आंसर में और x इक्वल्स टू 0 भी है, तो कुछ बच्चे माइनस ए भी टिक करेंगे, जो कि गलत नहीं है। मैं सच बताऊं अगर, तो ये आंसर भी इसका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमसे बोल ही रहा है डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। तो ये तो मतलब इसका x इक्वल्स टू माइनस ए यूनिवर्सल है ना डायरेक्ट्रिक्स का, ये तो ये भी गलत नहीं है। मगर एग्जैक्ट की बात करोगे तो x इक्वल्स टू 0 है। अब वो डिपेंड करता है कि मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अगर वो लोग चाहे तो इसको कंसिडर कर ले, ना चाहे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आई होप आपको क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बस देख रहे हो देख रहे हो। कैसे भी यस क्लास कैसे भी मैम। कंप्लीट हो जाए, और क्या ही कर सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ चलो 5 6 क्वेश्चन ही करा दूँ, कुछ तो समझे। नो मैम, 5-6 पता है आपको इंटरेस्ट कब आएगा, एक आपको अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, जो आपको किसी टीचर ने नहीं बताया। आपको आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप 12th में जाओगे। अभी हो सकता है बेसलाइन टेस्ट दे करके जाओ, या डायरेक्ट सिलेक्शन हो, जैसे भी आपका हो, तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये जानने में कि अरे 11th में क्या पढ़े थे। थोड़ा थोड़ा याद आएगा, ये सब काम आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये होता है ना बच्चों के संग, हम पढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं ये चीज। मैं तो डायरेक्ट चली गई डायग्राम बनाने में, क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। द फोकल कॉर्ड टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू 16x इज टैंजेंट टू एक्स माइनस सिक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड आर। सो ये हो जाएगा आपका, कैसे बनेगा इसका, पैराबोला तो ऐसे ही बनेगा नो डाउट, मगर कॉर्ड चाहिए मुझे एक, और इसने बोला है कि टैंजेंट टू दिस इक्वेशन, तो कहां से मैं टैंजेंट जोड़ू, कहां से कॉर्ड जोड़ू। दिमाग लगाए थोड़ा आप लोग भी। टैंजेंट कहां से जोड़ा जाए, बस इतना ही मुझे बता दीजिए, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। पैराबोला तो बना दिया, वैसे ही बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देख लो इधर, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, तो मेरे को a निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 4ax होता है मतलब, हो रहा है। नहीं हाँ 4 into 4x, तो 4 हो गया। चलो इसकी कहानी खत्म हो गई। बाकी डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे ना, अपने को समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए डायग्राम बनाते हैं। टेंजेंट किधर बनाऊं मैं, या टेंजेंट को गोली मारो, हमें फोकल कॉर्ड भी तो चाहिए यहाँ पे, ये फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन है। आपको याद है फोकल कॉर्ड, हम ऐसे ला करके ऐसे यहाँ पे जॉइन किया करते थे, किसी को याद है कि सिर्फ मुझे ही याद है भाई, ये करते थे
ज्वाइन करते थे, सबको याद आया होगा हमें। मैं यहां से यहां तक अब क्या करूंगी, एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी। तो जब मैंने इसको लाके डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये पूरा मेरा क्या हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है ना, तो ये मेरा एक सर्कल बन गया। डरने वाली बात नहीं, सर्कल नहीं है यहाँ पे, बट ये पूरा एक सर्कल बन गया। नाउ मेरा फोकस चेंज हो गया, कहाँ पे हो गया फोकस, अभी यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा एस हो जाएगा, जो कि है 4,0, और ये क्या हो गया, ये एक ज्वाइनिंग पॉइंट। सपोज इसको मैंने एम दे दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे जाके परपेंडिकुलर बनाएगा, क्योंकि आपका एक कॉर्ड भी ज्वाइन हो रहा है और टेंजेंट भी है, और क्या है, फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड तो ज्वाइन ही होता है, तो समझ में आता है कि हाँ अब ये मेरा फोकल कॉर्ड बना है। तो ये सारी निशानियां हैं जिनको आप बहुत ही संभाल करके देखें, ठीक है। नाउ इतना तो हो गया, आप क्या करें आगे हम जा करके। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है बच्चों। एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू है, आपको पता है वो वाला स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन पता है। फोकल कॉर्ड तो किसी ने देखा भी नहीं होगा पीडीएफ, वहां पे अच्छे यस अच्छे मैम, आपके वो फॉर्म। वाला, वो हाँ वो वाला बताओ थोड़ा, वो वाला फॉर्मूला जो वो था वो। खेलना नहीं है इधर, वो तो बोल के टाइम नहीं पास करना है, आता है तो बताओ। हाँ एक्स नॉट इज बताओ इक्वल तो टू सही, एम एम गेम वन। है, ठीक बोला आपने। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, चलो ये बोल सकते। आप बोलोगे कि अरे अरे तो स्लोप का हो गया। अच्छा मान लो स्लोप ही, चाहे जो भी मान लो, स्ट्रेट लाइन का तो है ना। और या फिर वाई माइनस इक्वल्स टू एम एक्स माइनस वाला फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आप लोग को बोलते बोलते आस पड़ोस में सब लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मुझसे बोलते हैं ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लगेगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा। ये कहीं से टपका है अभी क्वेश्चन में, तो टपका है तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है अपने पास। अब एक एक की वैल्यू ढूंढते हैं भाई, फॉर्मूला तो लिख दिया लेकिन वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ से लिखना है। चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वाई माइनस, अब वाई माइनस तो वाई तो मेरा वैसे भी जीरो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो गया। विच इज इक्वल्स टू एम मुझे पता ही नहीं है, तो भी टेंशन फ्री रहो। एक्स माइनस सिक्स से मुझे दिया हुआ है ना इक्वेशन में आपके, प्लस यस माइनस मैम, आर, आर आर पे कांटा फंसेगा, तो आर क्या है, रूट टू है, और क्या, आर आपका रूट ओवर टू हो जाएगा। देन द होल रूट में क्या था आपके पास, एम स्क्वायर प्लस वन था, अगेन एम पता नहीं है, एम स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। वाई माइनस जीरो ऐसे भी जीरो ही हो जाएगा, क्यों बोलो तो, वाई भी नहीं पता अपने को और जीरो तो जीरो ही है। वाई की वैल्यू क्या है भाई इधर, ये तो जीरो है ना, तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा एम, अब ये जीरो नहीं होगा। एक्स माइनस सिक्स यानी कि 4 माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर टू, इन रूट में चिड़ी पक गया इधर, रूट में एम स्क्वायर प्लस वन, कोई भी इसको गलती से माइनस वन कर देगा तो ज्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो मत करना माइनस वन। देन क्या करूं मैं, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो समझाइए बच्चों आप लोग भी। ये रूट रूट हटा दूं अगर, तो मेरा 2m² हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 माइनस 6 भी तो 2 ही होगा। यस मैम, क्या यस मैम, -2 होगा, 4 माइनस 6 कितना होगा, माइनस मैम टू ठीक है, प्लस माइनस। अब चलो क्या करूं मैं, रूट ओवर टू तो लिख दू, ठीक है। एक काम करते हैं, हम बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आंसर निकालने के लिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसको फिर से स्क्वायर करना है अगर मुझे, तो पूरी क्वांटिटी लिख दो एम स्क्वायर प्लस वन, अब पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये तो स्क्वायर है ही, ये भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया। सो 4m² इक्वल्स टू आपका
इक्वल्स टू टू एम स्क्वायर प्लस वन, तो टू टू जा फोर ऐसे कट जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। कौन आए भाई हमारे क्लास में पधारे हैं? हेलो बच्चों, विशा आपको चैटिंग सूझ रही है? हाँ क्लास करिए क्लास। अच्छा वो देख लिया मैंने। क्या चाहते हो, चैट सेक्शन ऑफ कर दूं? तो पोल लॉन्च करोगे क्या वहां पे? पोल में ही फिर बातें करने लगेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर भी आई गेस क्लियर हो गया है, स्टेप्स तो क्लियर ही है। जो भी पढ़ते हैं भले आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं, क्लास में आते हैं तो बस यही है कि जो पढ़ रहे हैं ना उसको थोड़ा क्लियरली पढ़ ले, काफी है उतना, तो भी हम बहुत महान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, इसको कैसे किया जाए? हाँ इफ टू कॉमा माइनस एट इज एट एन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32x। देखो यहाँ पे भी बहुत इजी कर दिया इसने, हमें वाई स्क्वायर निकाल के दे दिया। तो आपका 4 8 32 हो जाएगा ना, तो 8 क्या है, ए है। इफ द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड इज अल्फा बीटा देन अल्फा प्लस बीटा इज। अब मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगेन फोकल कॉर्ड बनेगा आपका, कुछ भी नहीं है, इससे छोटा सा बना देती हूँ। ये पैराबोला आपने बनाया, बस इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दो, इसको क्यू दे दो, इसको पी दे दो। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32x, ये हो गया। पी ऑफ टी कितना हो जाएगा पता ही नहीं हमें, है 2 कॉमा माइनस 8 है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 8। क्यू पता है? नहीं पता है तो क्यू को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ से ए अपने को 8 मिल गया। ठीक है, मैं और एक चीज क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ भाई? टी याद है, टी क्या है? हाँ फोकस फोकस, हमें फोकस टोकस यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, फोकस रख के क्या करोगे आप? ये हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो आप इसको फोकस बताओगे? अच्छा चलो बता भी दिए अपनी खुशी से, तो वो जान के क्या करेगा, उसका अल्फा प्लस बीटा से मतलब है। सी पी ऑफ टी अगर मैं बोलू तो कितना होगा ये आपका? 80 स्क्वायर होता है, तो 8 t² हो जाएगा, फिर 16 t हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280 वाला फॉर्मूला, और क्या? ये कितना है, टू बिल्कुल कॉमा माइनस एट। ये मैं नहीं कह रही भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने ये दे दिया है, तुम चाहे जो भी निकालो मेरा वैल्यू तो यही रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे ही रखते हैं। 16 t इक्वल्स टू अगर मैं माइनस एट करूं तो टी मेरा निकलेगा -1/2। कुछ तो फायदा हुआ मुझे, टी -1/2 मिला। नाउ नेक्स्ट में अल्फा बीटा निकल, अरे इसके लिए स्लाइड ही नहीं था क्या? अच्छा छोड़ो यहीं पे सॉल्व करते हैं थोड़ा। क्यू क्या है, क्यू मेरे पास क्या है, पैरामीटर है ना एक क्यू, नहीं पता है छोड़ देते हैं उसको भी। T1 T2 इक्वल्स टू कितना है, -1। जैसे आपका परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला होता था स्ट्रेट लाइन में, M1 into M2 इक्वल्स टू -1, वैसे T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है। देन क्यू इक्वल्स टू 8 into T आपको मतलब है, तो T की वैल्यू क्या रखोगे इधर? -1/2 मुझे तो वही लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, वही रखेंगे ना, -1/2 ही रखेंगे? मैम वही निकला। नहीं निकला तो, वो तो मैंने निकाला ना, हो सकता है कुछ और भी निकल जाता, मगर टी की वैल्यू आपको रखनी है, तो अभी के लिए तो -1/2 रख के चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और क्या है, 16 into T अगेन, तो T में अगेन -1/2। इसको कैंसिल करके आपके पास जो भी दो वैल्यूज आते हैं क्यू के, वही आपके एक अल्फा होंगे कॉमा बीटा होंगे, और उन्हीं दो वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। ठीक है? यस मैम। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ठीक है,
तो आपको यस नहीं बोलना, आपको सोच समझ के बोलना है कि क्या ये सच में ठीक है। तो मैम। ठीक क्या है वो भी बताइए। चलिए देखो, जब पता ही नहीं। देखो मेरा काम आपको ना बातों में उलझाना नहीं है। मैं बेसिकली आपसे यही पूछना चाहती थी कि आप मेरे से ये पूछो, ये जो अल्फा बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या ये वही है जो हम एक्स वाई को सपोज करते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले में डाल के लेके आएंगे दो वैल्यूज, तो क्या हमेशा हम इसी दोनों को ऐड करेंगे या फिर अल्फा बीटा में कोई और वैल्यू होगी? ये डाउट आपको आना चाहिए था, बट आपको आया ही नहीं। एनीवेज चलते हैं, बहुत इजी था ये मेथड, यही है। पी देखो, फॉर्मूला पुट करो, क्यू निकालो, अल्फा बीटा जो मांगा है उसको दे दो, काम खत्म। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, लगता है गलती से क्वेश्चन यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। बच्चों नहीं करना चाहिए था, बहुत अफसोस हो रहा है, क्या करें, अब किया है तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसी को याद है फॉर्मूला? दूर दूर तक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हम लोग तो खुद ही एक ट्रेपीजियम है, तो कहाँ से याद रखेंगे। चलो देखा जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे ना, ट्रेपीजियम का याद ही नहीं, क्या किया जाए। क्वेश्चन हाँ 1/2 ही पूरा बोला करो विषय, वो वाला ये आप वाला 1/2 वाला। पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके वेरी गुड, ठीक है, ये सिंसियर स्टूडेंट ने जवाब दिया है। चलो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स पास थ्रू 1,0 एंड हैविंग लेंथ 25/4 यूनिट्स ईच इज सी। यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम में ही अपने को ट्रेपीजियम भी थोड़ा शो करना पड़ेगा इनको। डिफिकल्ट है बट हम करेंगे अपनी सूझबूझ से इसे सॉल्व। पैराबोला बनाते हैं पहले, तो ये पैराबोला बन गया आपका। यहां से मैं एक लाइन ज्वाइन कर देती हूँ, यहां से एक लाइन मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड इनके जो डायगनल्स होंगे वो आपस में ज्वाइन होंगे। तो बेसिकली आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, एस है, और एस मुझे 1,0 यानी कि 1,0 दिया हुआ है, ठीक है। इनको मुझे देना है तो मैं दे देती हूँ ए बी सी डी, ठीक, ए आपका टी हो जाएगा। तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक फिगर कंक्लूसिव निकल रहा है यहाँ से। ओके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सी यहाँ से अपने को फोकस तो मिल ही गया है, कितना है 1,0, देन ए सी निकालते हैं। पहले ए सी अगर आप निकालोगे तो वो होगा 1 × t + 1/t का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू आपका आया है 25/4। वैसे भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 25/4 आया है। t प्लस 1/t अगर आप करते हो सिर्फ स्क्वायर नहीं करके, तो ये कितना आएगा? अरे भाई ये आएगा 5/2, 5 5 25 2 2 4, तो ये आएगा 5/2। चलो नेक्स्ट में चलती हूँ, येलो से लिखती हूँ ना, अच्छे से दिखेगा थोड़ा। एसी का तो काम खत्म हो गया, तो जो हमने लिखा था टी प्लस 1/t विच इज इक्वल्स टू 5/2, इसी को जरा हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 2t² प्लस 2 आएगा ना, मैंने टी लिख दिया, प्लस टू इक्वल इक्वल्स टू टू आई 5t ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे एल से हम लेकर अगर करोगे, 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन 2t² मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, माइनस 4t माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो 2t × t माइनस 2 माइनस 1t माइनस 2। ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत मजे के संग सब करेंगे सॉल्व। टी माइनस टू एंड क्या बचेगा, 2t - 1 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू
2, 1/2। ओके, ये हो गया, टी निकला मेरे को। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपका ये जो टी प्लस 1/t था, ये मैंने 5/2 लेके किया था, ठीक है। बट अब एक डाउट ये आता है ना, देखो मैंने इसको अपने मन से 5/2 ले तो लिया था, मगर क्या मैंने एक बार भी सोचा जब मैं इसको स्क्वायर रूट में रखूंगी तो प्लस माइनस दोनों साइन देगा ये, तो प्लस लिया तो माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में होता तो दोनों लेते आप, इसलिए आप माइनस वाले के संग में ना इंसाफी नहीं कर सकते हम। -5/2 तो मुझे पता है ये बनाएगा 2t² प्लस 5t+2=0, तो टी मेरा यहाँ से बनेगा -1/2, -2। ये मैंने नहीं सॉल्व किया बट फिर भी समझ में आ गया कि चलो माइनस में तो बनेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई कुछ बताए मुझे तो मुझे भी आइडिया मिले। y² = 4x जो ये लोग दिए थे, तो यहाँ से मुझे पता चलता है t² और 2t। अब मैं डायरेक्ट चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लगा दूँ, वैल्यूज तो तैयार ही है ना मेरे एक तरह से। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाती हूँ तो कितना लगाऊंगी, हाफ इंटू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपने बोला, अब उसका सम कितना होगा वो कैसे जाने। फिगर तो है हमारे पास बट कैसे जानेंगे, नहीं जान पाएंगे जब तक यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। देखते हैं यहाँ पे पहले, चलो कैलकुलेट थोड़ा करते हैं। तो एक एक पॉइंट को अगर देखें तो ये टी है, टी मुझे कितना मिला, 1/2 टी मिला, ठीक है। और ये सी -2, ठीक, ये -2, ये 1/2। डी कितना मिला मुझे, ये 2 मिला, और अगेन ये -1/2। ओके, ये चार वैल्यूज मुझे मिले, मैंने चारों को पुट कर दिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, देखो भाई पैरेलल साइड्स के सम तो देने पड़ेंगे बट वो कैसे देंगे, अभी सवाल ये उठता है ना, क्या वो डबल है, क्या वो आधा है, या 4 गुना ज्यादा है, कैसा है। थोड़ा सा बच्चों अपना दिमाग लगाओ, आप लोग जेई वाला मेरे से ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, आप लोग अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ाई कर रहे हो, हमारी तो उम्र हो गई है। यस मैम। तो बताओ, दिमाग उमंग लगा के बताओ ना मुझे क्या मतलब है, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए बेसिकली। एरिया मत बताओ एरिया, ये बताओ कि एरिया में जब दोनों साइड्स को प्लस करोगे तो एक पैरेलल साइड एक पैरेलल साइड वो कितना होगा, कोई नंबर लिख के प्लस करोगे ना। सपोज आप लिखोगे 100+500, 200+300, तो वो कौन सा नंबर होगा ये दोनों, वो मुझे बताओ। ये एक प्रॉपर्टी या थियरम ट्रेपीजियम का आपने पढ़ा होगा, कुछ पैरेलल साइड्स का थियरम पढ़ा है कि ये पैरेलल साइड इसका डबल होता है चाहे इसका आधा होता है, डायगनल्स जब बीच में कट करते हैं तो। T2 है। 2 है ये वाला साइड, एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो ये 1/2 का डबल अगर करते हो तो कितना आ जाएगा, 1/4 ही तो आएगा, -1 आ जाएगा, मैं तो गलत नहीं कह रही हूँ, 1/4, -1 आ जाएगा। तो इसमें अगर ऐड करोगे आप, मतलब उसको क्या कर रहे हो, 2 2 टाइम्स कर रहे हो, ये आपका क्या होगा 2 टाइम्स होगा, मतलब ये 2 होगा ये वाला जो साइड है आपका, मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ सी, एक ये और एक ये 2 होगा, ठीक है यहाँ पे। बट इस तरफ में क्या होगा, ये अगेन जब यहाँ पे 2 टाइम्स किया है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 4, अगेन आपके पास क्या है, 1 तो है नहीं, तो 4, 4 हो जाएगा, ये दोनों डबल डबल हो जाएंगे, तो 4+4 आपका 8 होगा,
कौन सा साइड? ये वाला पूरा, ये एक पैरेलल साइड और ये एक पैरेलल। मैं यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं पकाना चाहती, और ये एक पैरेलल और ये एक पैरेलल, 2 और 8 हम ऐड करेंगे। तो यहां से हमने थोड़ा कंक्लूड किया तो राहत मिली 2 प्लस 8। अब और भी अपने को एक वैल्यू चाहिए ना, वो होगा 4 माइनस 1/4। वहां का 4 और वहां का 1/4, बता दिया। 1/2 × 10, ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 −1 15/4, विच इज इक्वल्स टू 2 5 10 हो जाएगा, और 5 × 15/4, तो ये होगा 75/4। अब आपका जो मन करे इस वैल्यू के संग आप करो, जिसका मन करे डिवाइड करो, उसको कट कुट करो या कुछ मत करो, ऐसे ही रहे। 75/4 हो जाएगा आंसर। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सच कह रही हूँ, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा लग रहा है ऐसा एंजाइटी सा, अजीब सा, हार्ट अटैक। रेस्ट करो, क्लास करो। नहीं बच्चों, रेस्ट तो है लाइफ में, पूरा रेस्ट ही रेस्ट है। आजकल पढ़ रहे हैं ना हम लोग न्यूज, इस एक अभी हमारे बहुत ही जाने पहचाने डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, कल उनको हार्ट अटैक आ गया, तो इसलिए भी हम थोड़ा सदमे में हैं कि बहुत अच्छे खासे थे, चल फिर रहे थे, और उनको ओपीडी में ही हार्ट अटैक आ गया, तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। यस मैम। कल जब से उनका सुना है मुझे लग रहा है मुझे ही ना आ जाए कहीं, बार बार अजीब सा लग रहा है सुनकर। इस क्वेश्चन का क्या करें, इसकी भी आरती उतारनी पड़ेगी अपने को। मैं आपने 5-6 कहा, ये कहाँ पहुंच गए आप? तो क्या है, वही तो है, फोकल कॉर्ड का ही तो क्वेश्चन है, 7वां नंबर। 5 या 6? नहीं नहीं वो तो मैंने बोलने के लिए डायलॉग बोल दिया था, 5 या 6 क्या? अभी क्लास में बहुत टाइम है आपका, कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहा 15 मिनट है। आपने ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है। कौन सा ब्रेकिंग न्यूज? इंटरेस्ट वाली? वो मैंने बता दिया आपको, और कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। जब आप अभी 12th में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा, वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। इसको सॉल्व, आज नहीं देखी। इसको सॉल्व कीजिए। चलिए विषय, अभी तो आपके बोर्ड 11th के एग्जाम्स लगेंगे, मैं बार बार उसको बोर्ड एग्जाम बोलती हूँ, जो भी है आपका स्कूल का एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर करोगे आप। जैसे ही वो टेंशन खत्म होगा आप तुरंत 12th में आ जाओगे, जैसे ही 12th में आओगे तो बस फिर आपके सर पे जेई 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 नाचेगा ना सिर्फ। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द वर्टेक्स इज सी। अगेन ये क्या कह रहा है, डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी इसने फोकल कॉर्ड बोला है आंख बंद करो, एक लाइन ज्वाइन कर दो, पता चल गया कि फोकल कॉर्ड बन चुका है। पी क्यू, पी क्या है मेरा, कुछ भी नहीं है, टी है, क्यू तो और कुछ नहीं होता, तो और बेकार है। एस क्या है, एस भी बेकार ही है, यहाँ पे 1,0 सब बेकार ही है, तो वैल्यू क्या मिलेगा फिर अपने। At a distance B from the vertex is C. Again, ये perpendicular बनाएगा यहाँ पे। But ये यहाँ पे perpendicular बनाएगा? कि यहाँ पे बनाएगा? कहाँ पे बनाएगा बच्चों? आपको तो और पता नहीं होगा क्या पूछ रही हूँ। डायग्राम बनाना भी तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं आपको रेडीमेड डायग्राम मिलेंगे हमेशा। तो बेसिकली ये यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ पे आपका, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स है V, जो कि ओरिजिन पे है, तो 0,0 और कुछ भी नहीं है। ये है हमारा B, जैसा मुझे डायग्राम बोला गया क्वेश्चन में मैंने वैसा बनाया, एट ए डिस्टेंस B फ्रॉम द वर्टेक्स इज C, ठीक है। वर्टेक्स से बोला था मैंने, वर्टेक्स से ही परपेंडिकुलर बनाया, और ये कहाँ पे बनेगा, B, तो C भी आ जाएगा साथ में, वर्टेक्स इज C सपोज कर लेंगे उसको। अब जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ पी एस, ये मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो इक्वल ही बता रहा है ये, तो इनको इक्वल कर दो।
तो ये होगा वाई माइनस जीरो इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा, टू अपॉन में पी एस है तो ये होगा आपका टी माइनस वन अपॉन टी और एक्स माइनस ए, देन टी माइनस वन अपॉन टी को चुपचाप से शरीकों की तरह वाई के पास ले आइए और ये हो गया टू एक्स माइनस टू ए। इसको सॉल्व करोगे जब तो कितना मिलेगा आपको, करना है तो करो वरना इसको सॉल्व मत करो, अभी आगे बहुत मौके आएंगे सॉल्व करने के, इसको ब्रैकेट ओपन करके आप सॉल्व अच्छे से कर सकते हो। तो वाई का एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे एक्स का एक बन जाएगा, ठीक है। सुनाओ एक और चीज मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि सबको एक तरफ भी लेके आके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है ना सॉल्व, तो हर तरह से दिमाग लगा सकते हैं कि ये ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। सबको एक तरफ लेकर आते हैं तो क्या होगा, टू एक्स और ये हो जाएगा पूरा माइनस में टी माइनस वन अपॉन टी इंटू वाई माइनस टू ए, मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया इक्वल्स टू में जीरो। नेक्स्ट इज देन आपका बी इक्वल्स टू मॉड में क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या है, माइनस टू ए अपॉन में रूट ओवर फोर प्लस टी माइनस वन अपॉन टी द होल का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू टू ए अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी, और सिर्फ ये मॉड में जाएगा, ऊपर का मॉड रिलीज हो जाएगा, टी प्लस वन अपॉन टी ये जो मॉड में है विच इज इक्वल्स टू टू ए अपॉन में बी, ये आपका इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर वन पहले था। तो इक्वेशन वन एंड टू से अगर आप कुछ सीख लोगे, मतलब दोनों को देख करके अगर बताओगे, इक्वेशन वन पता है आपको क्या था, पता ही नहीं है, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये था आपका पी क्यू जो कि हमारा होता है ए टी प्लस वन अपॉन टी द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्चुअली में सी, सी हमें क्वेश्चन ने बोला था कि आपका बी इक्वल्स टू सी होगा, तो ये सी है और ये आपके पास एक इक्वेशन है फ्रॉम वन एंड टू। आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सी इक्वल्स टू ए अपॉन में जाएगा, नहीं ए इंटू में कितना जाएगा, टू ए अपॉन बी द होल का स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए क्यूब, ये आंसर है। सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए क्यूब, इन्होंने भी यही आंसर दिया है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी क्यूब, सी स्क्वायर बी ये वाला आंसर हो सकता था बट एक पॉइंट की वजह से नहीं हुआ, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नो मैम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क तो वैसे भी नहीं दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, ये भी अच्छा दे दो क्वेश्चन। आज, हाँ आज दे दो, दे दो। हाँ क्या दे दूँ, मुझे पता ही है होमवर्क कोई करके आएगा तब ना दे दो, आप लोग करोगे जेन्युइनली? यस मैम, एक क्वेश्चन करूंगा आज मैं, पर एक शर्त पे, अगर आप अब नहीं पढ़ाओगे। अरे बाप रे, ठीक है कर लो, 8 और 9 दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, जिनको जो अच्छा लगे वो कर लो, बट कर लो प्रैक्टिस दोनों ही क्वेश्चन, नहीं पढ़ाती हूँ मैं, छोड़ देती हूँ। ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये बहुत इजी है, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये वाला इतना इजी नहीं है, ये करोगे तो बेटर होगा। इंटरसेप्ट्स का है, आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मैं दोनों ही क्वेश्चन दे देती हूँ, जिनका जो मन में आएगा वो करना, लेकिन एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन जरूर करना सिंसियरली। करेंगे, यस मैम। पता नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जरूर करना, प्रार्थना करने की नौबत आ चुकी है। इसको एक्सपोर्ट कर देती हूँ आपका सही सलामत। JE2 कहाँ है भाई, आप सबके नोट्स यहीं पे रखे होते हैं, आज क्या है? क्या है क्या
कोई डिक्लेरेशन हुआ है क्या आप लोगों का ग्रुप में? ऐसे तो कोई डिक्लेरेशन है नहीं संडे को। का हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं पता चल रही है विषम, आप क्या कह रहे हो? आधी अधूरी बातें तो करते हो। छोड़ो, रहने दो। अच्छा आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं 12th के बारे में क्या कह रही थी। 12th के बारे में यही कह रही थी कि अभी जो आप पढ़ रहे हो ये सब ना, मतलब आपको लगेगा कि 11th में तो पढ़ लिया, क्लास लगाने को तो लगा लिया, नहीं, इसी से आगे 12th में जाओगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे इसके सेकंड पार्ट के रूप में मिलेंगे, तो फर्स्ट पार्ट आना बहुत जरूरी होगा कोनिक सेक्शन का, लेवल 2 Level 2। यस, और 12th में जैसे कि आप लोग मुझसे बार बार पूछते थे कैसे जाओगे, तो मुझे जहां तक पता है कि शायद डायरेक्ट एंट्री भी हो सकता है आपका या फिर एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, मतलब वाइवा काइंड ऑफ, जैसे आप आए थे 11th में। दोनों चीजें होंगी, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करेगा ये तो मैं भी नहीं जानती, जो वो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग टीचर्स चलेंगे। यस मैम।